आज हम जो चाहते हैं वह है बल, स्वयं में अटूट विश्वास। अटूट मतलब सदा बना रहने वाला। हम लोग शक्तिहीन हो गए हैं, इसलिए गुप्त विद्या और रहस्य विद्या इन रोमांचक वस्तुओं ने धीरे धीरे हमें घर कर लिया है। भले ही उनमें अनेक सत्य हों, पर उन्होंने लगभग हमें नष्ट कर डाला है। अपने स्नायु बलवान बनाओ। आज हमें जिसकी आवश्यकता है वह है लोहे के पुट्ठे और फौलाद के स्नायु। हम लोग बहुत दिन रो चुके, अब और रोने की आवश्यकता नहीं। अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मनुष्य बनो। हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सकें। हमें ऐसे सिद्धांतों की ज़रूरत है जिससे हम मनुष्य हो सकें। हमें ऐसी सर्वांग संपन्न शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके। और यह त्याग दो, उसमें जीवन शक्ति नहीं है, वह कभी सत्य नहीं हो सकती। सत्य तो बलप्रद है, उसमें पवित्रता है, वह ज्ञान स्वरूप है। सत्य तो वह है जो शक्ति दे, जो हृदय के अंधकार को दूर कर दे, जो हृदय में स्फूर्ति भर दे। शिक्षा किसे कहते हैं? क्या वह पठन मात्र है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान अर्जन है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। प्रत्येक दशा में कुछ ऐसे नवरत्न होते हैं जो केवल कर्म के लिए ही कार्य करते हैं। वे नाम, यश अथवा स्वर्ग की भी परवाह नहीं करते। वे केवल इसलिए कर्म करते हैं कि उससे कुछ कल्याण होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो और भी उच्चतर उद्देश्य लेकर गरीबों के प्रति भलाई तथा मनुष्य जाति की सहायता करने के लिए अग्रसर होते हैं। अग्रसर होना मतलब आगे बढ़ना, क्योंकि वे भलाई में विश्वास करते हैं और उसे प्रेम करते हैं। देखा जाता है कि नाम तथा यश के लिए किया गया कार्य बहुधा शीघ्र फलित नहीं होता। ये चीज़ें तो हमें उस समय प्राप्त होती है जब हम वृद्ध हो जाते हैं और जीवन की आखिरी घड़ियां गिन रहे होते हैं। यदि कोई मनुष्य निस्वार्थ भाव से कार्य करे तो क्या कोई फल प्राप्त नहीं होता? वास्तव में तभी तो उसे सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है। और सच पूछा जाए तो निस्वार्थता अधिक फलदायी होती है, परंतु लोगों में इसका अभ्यास करने का धैर्य नहीं होता। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो मानो अनेक छोटे छोटे कर्मों की समष्टि होते हैं। उदाहरणार्थ यदि हम मनुष्य के किनारे खड़े सॉरी यहाँ गलत हो गया है उदाहरणार्थ यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों को किनारे से टकराते हुए सुने तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी भारी आवाज़ हो रही है। परंतु हम जानते हैं कि एक बड़ी लहर असंख्य छोटी छोटी लहरों से बनी है। और यद्यपि प्रत्येक लहर अपना शब्द करती हैं, परंतु फिर भी हमें सुनाई नहीं पड़ता। पर ज्यों ही ये सब शब्द आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, त्यों ही हमें बड़ी आवाज़ सुनाई देती है। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों पर से उसकी जांच मत करो। ऐसे मूर्ख भी किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन जाता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो, और वास्तव में वही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। आकस्मिक अवसर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन देते हैं, परंतु वास्तव में महान तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान तथा समान रहता है। नीति परायण तथा साहसी बनो। अंतःकरण पूर्णतया शुद्ध कर रहना चाहिए और नीति परायण मतलब नीति का पालन करने वाला तथा साहसी बनो। अपने प्राणों के लिए कभी न डरो। धार्मिक मतांतरों को लेकर व्यर्थ में माथा पच्ची मत करो। कायर लोग ही पापा चरण करते हैं, वीर पुरुष कभी भी पापानुष्ठान नहीं करते। यहाँ तक कि कभी वे मन में भी पाप का विचार नहीं लाते।
प्राणी मात्र से प्रेम करने का प्रयास करो, स्वयं मनुष्य बनो तथा जो विशेषकर तुम्हारी ही देखभाल में हैं उन्हें साहसी नीति परायण तथा दूसरों के प्रति सहानुभूतिशील बनाने की चेष्टा करो। बहादुरी से लड़ते रहो, जीवन का समय अल्प है, अल्प मतलब छोटा, अल्प यानी थोड़ा है, इसका किसी महान कार्य के लिए उत्सर्ग कर दो।